अलग है। साउथ की फेमस डिश जो स्वीट भी है जिसका नाम है मिष्टी बसंती पुला, ये एक स्वीट राइस है, तो चलिए उसको बना लेते हैं। ये राइस को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप बॉइल्ड राइस। यहाँ पे मैंने बासमती राइस का यूज किया है जिसको हमने अच्छे से बॉइल कर लिया है। 1 टेबलस्पून काजू लिए है, 1 टेबलस्पून किशमिश लिए है, 1 टेबलस्पून कोकोनट लिया है, 1 टेबलस्पून टूटी फूटी ली है, थोड़ा येल्लो कलर लिया है और कुछ खड़े मसाले भी जिसमें है तेज पत्ता, दालचीनी और ग्रीन इलायची, हरी इलायची के 2-3 दाने। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे शक्कर ली है और 1/2 चम्मच घी लिया है, 1/2 टेबल स्पून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिष्टी बसंती पुलाव बनाना। यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन को गर्म करने रख दिया है। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून घी लिया है, उसको पहले अच्छे से गर्म कर लेते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, उसमें हम डाल देंगे कुछ काजू, कुछ किशमिश और हमारे खड़े मसाले, इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि काजू का कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। इसको स्लो टू मीडियम आंच पे हमें कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना है वरना हमारे काजू जल सकते हैं। काजू किशमिश अच्छे से सीख के रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं सारे किशमिश भी फूल गए हैं और काजू ने भी अपना कलर चेंज कर दिया है। तो इसमें डाल देते हैं हमारे बॉइल किए हुए राइस। आप चाहो तो केसर भी मिला सकते हो, 2 चम्मच शक्कर, थोड़े से टूटी फ्रूटी और थोड़ा सा कोकोनट, तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तब तक हमारे शक्कर अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए। बाकी रखनी टूटी फूटी वो भी डाल देते हैं और थोड़ा सा कोकोनट और डाल देते हैं। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये राइस को आप टिफिन में भी दे सकते हैं, इसको ठंडा करने के बाद खाते हैं तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा कोकोनट से हम इसको गार्निश कर देते हैं। तो रेडी है हमारे मिष्टी बसंती पुलाव।